नहीं कर को नहीं है, 99% कोरोना आने के चांसेस नहीं, 1% चांस, 1% के अंदर भी 3% आने के चांसेस है, मगर कोरोना आए तो भी माइल्ड कोरोना आता कहते जानलेवा हमला नहीं होता कोरोना से, जानलेवा हमला नहीं होता। और दूसरे ये 400 मैं खुलासे से नहीं बोल सकता, या दीवार के भी का नहीं, या अफवाह फैला दल को कहीं की एक जगह मुसलमान में एजुकेशन नहीं है, उनमें ये नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, उन्होंने मुसलमान लेते नहीं लिया तो अच्छा अगर को बहुत से जगह क्या कर रही है, ये सोशल मीडिया के अंदर ये कर रही है सर, हमारे सदर साहब है, अब मैं खुलासे से बोल सकता नहीं, नहीं लिया तो अच्छा क्या कर, मतलब क्या मुसलमान की आबादी कम करने के वास्ते जमीन नहीं, सबके होगी, अब हमारे होगी ये नहीं गए, हमारे अमीर शरीत ले को ही, मौलाना मसूद इमरान साहब ले को ही, ऐसा वैक्सीनेशन में अगर साइड इफेक्ट रहता तो छोटी बात, कई को वैक्सीनेशन सऊदी अरब में लेते थे, रियाद में किक लेते थे, अब मक्के मदीने तुम्हें जाना, मक्के मदीने को जाना बगैर तुम्हें वैक्सीनेशन की, तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं है तो वैक्सीन तुम्हें मक्के मदीने को जा नहीं सकते, वो छोड़ो इंडिया के अंदर धीरे धीरे कानून आ जाता, ऑलरेडी महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा केसेस 600 1 minute. जो भी ऑटो ड्राइवर ऑटो चला रहा उसका वैक्सीनेशन इसके वैक्सीन की सर्टिफिकेट है ना तो ही उन्हें ऑटो चला सकता, और जो भी टैक्सी ड्राइवर है अगर उन्हें जो वैक्सीनेशन ले को रहा तो जो ने टैक्सी भी चला सकता, यानी कोई भी एक्टिविटीज करना को तो बगैर एक्टिविटीज कोरोना इसके वैक्सीन के लिए बगैर करना नहीं करो, महाराष्ट्र में ऑलरेडी अनाउंस करी, अभी यहाँ चलते फिरते भी अब यहाँ कैसा पुलिस पकड़ती, कौन तो भी सिग्नल ना तोड़े तो ये करे तो ये कहते तो हेलमेट नहीं पहने तो वैसा क्या करती, बीबीएमपी से यहाँ बीबीएमपी कहती वहाँ भी कॉर्पोरेशन है, वहाँ चलते फिरते आदमियों को भी क्या करी कॉर्पोरेशन से उन आदमियों को चेक करती, अब चेक करती ना पुलिस वाले मास्क नहीं पहने तो चक्कर को फाइन डालना, वैसा क्या कर रही अब कानून लागू क्या कर रही, तुमने रोडा में चले तो अगर तुम्हें वैक्सीन नहीं लिया तो तुमने क्या करे ले जाको अंदर बिठा को तुमने फाइन कर रही, यानी ये कानून कहीं को लागू हुई, अब ये कानून धीरे धीरे ऐसा हो जाता अब कर्नाटक में अब तक आको नहीं है, अब क्या कि मंडे से क्या कि खोलना अगर को ये करने को ही केसेस कम हो गए अल्लाह के फजल करम से खोलना अगर को डिसाइड कर कोई आते आते ऐसा कानून आ जाता ये बगैर तुम्हें वैक्सीन के सर्टिफिकेट के तुम्हें क्या भी नहीं कर सकते, जब तुम्हें वैक्सीन नहीं ले रहे हो वो टाइम पर वैक्सीन खत्म होने के बाद वैक्सीन का तो वैक्सीन तुम्हें मिलती नहीं, समझे कि नहीं समझे तुम्हें, अब तुम्हें मिल रही, अब मैं जद्दोजहद कर को एनजीओ से कहा की किधर की कितने मेरे घर के आदमी परेशान नहीं होना उनके हिस्सा ना चुकाना करो इधर उधर जद्दोजहद कर को हमारा एक्ट कंपनी से 25,000 लिया, अब यूनाइटेड वे से कब आज से शुरू करी उन्होंने 750 देते हूँ को उन्होंने वादा कर को ही नोटरी क्लब वाले वादा कर को ही 10,000 में देते हूँ को मैं कई के वास्ते जद्दोजहद करूँ गवर्नमेंट से वैक्सीन नहीं मिल रही, मुझे मालूम है धीरे धीरे क्या करती है एक टाइम लिमिट फिक्स कर दो को क्या करती है पूरे तमाम ले को क्या करती है हमारे आदमी नहीं लेते नेग्लेक्ट करती मुझे मालूम, उसके बाद क्या करती है वैक्सीनेशन बंद करती, वैक्सीनेशन बंद करे तो गवर्नमेंट प्राइवेट वाले क्या करते उनके पास वैक्सीन नहीं रहता, एक एक वैक्सीनेशन कम से कम मैं बोलता हूँ 5,000 से 10,000 को बिकता, अब ब्लैक फर्नेस करके क्या क्या को है उसका इंजेक्शन देखे नहीं हाथ में 40,000 30,000 को ब्लैक मिल रहा, और हाल ही के अंदर जो कोविड के अंदर भी एक इंजेक्शन निकल रहा था कौन सा वो इंजेक्शन हो रेमडेसिविर को इंजेक्शन निकला मालूम नहीं बहुत से कोविड होने के साथ एक्चुअल जरूरत नहीं थी वो इंजेक्शन लेना डॉक्टर उसका क्या कर दे जो भी कोविड पेशेंट अटेंड हॉस्पिटल में एडमिट होता उसे रेमडेसिविर इंजेक्शन होना करते थे, हमारी जो नॉलेज में आता था हमें गवर्नमेंट से फ्री करा को ड्रग्स कंट्रोल को बोल को कराते थे हमें, बहुत से ऐसे आदमी ही वो इंजेक्शन एक्चुअल इंजेक्शन की कॉस्ट आपको 2,500 रुपये 40,000-40,000 रुपये तक इंजेक्शन ले कोई वो कहता ये आने वाले दिनांक के अंदर ये आ जाता कि वैक्सीन ये गवर्नमेंट से बंद कर दिया हमें 3 दिन दिए थे उसके बाद बंद कर सकते तो हमें ढूंढे तो भी वैक्सीन नहीं मिलता, एक एक वैक्सीन 5,000 से 10,000 को बिकता तो मैं जाको 5,000 से 10,000 को लेना पड़ता, मेरी आवाम से मेरे माँ बहना से भी गुजारिश आजू बाजू तुम्हारे पड़ोस वाले को सबको बोल को ऐसा वैक्सीन दिला ले तो हमारा बहुत अच्छा बेहतर होता उसके अंदर आने वाले दिन के अंदर अच्छा होता और हमें कोरोना से बच सकती, मेरी आवाम से जिम्मेदारा से आजीजाना गुजारिश सर जफरुल्ला साहब ये लिखो रख लो मेरी बात सुबानिया मस्जिद के अंदर जमीर साहब बोल को गए थे वो वैक्सीनेशन क्या करती गवर्नमेंट में 1-2-3 महीने में बंद करती उन्होंने दे ले कारी अब वो भी कंट्रोल कर ले को कहाँ कहाँ देना कैसा देना दे ले कारी
दो तीन महीने के बाद क्या करती है, वैक्सीनेशन बंद कर दी। वैक्सीनेशन बंद करने के बाद कानून लाती, क्या कर को तुम्हें क्या भी एक्टिविटीज करना, तुम्हें तुम्हारा करो ना, तुम्हें मस्जिद में है ही, स्कूल चला रही, मस्जिद चला रही, मस्जिद के अंदर मौजन है, इमाम है, अब मस्जिद के अंदर एक कमेटी रहती, उनको सब आप चेक कर दी, तुम्हें वैक्सीन लिंक है, वैक्सीन सर्टिफिकेट है, क्या कर को तुम्हें काम भी ट्रैवल नहीं कर सकते, बेंगलुरु छोड़कर तुम्हें काम भी दूसरे स्टेट को जा नहीं सकते। अब जैसा फ्लाइट को आप अर्जेंट मुंबई जाना है, मुंबई को जाना तो वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं तो काम भी जा नहीं सकते तुम्हें, ऑलरेडी आगा कानून हो, धीरे धीरे हो को है, महाराष्ट्र के अंदर हो को है, दुकाना को तो भी ओपन करना तो तुम्हें वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट रही तो दुकाना ओपन करने दे रही, सो नहीं तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं तो दुकाना ओपन करे सरकार नहीं, उनको कितना की फाइन रखो ही वो, और दुकाना भी सील कर दे रही। आने वाले दिनों में होता मेरे जिम्मेदारों से काजी गुजारिश, हमारे आवाम के अंदर ये अवेयरनेस ला को तुम्हें, ये वैक्सीनेशन के वास्ते हमें जद्दोजहद करको, आवाम को वैक्सीनेशन दिलाना, और कितने भी रहेंगे हमारे में, अब यहाँ 750 देखो ही खत्म हुई, सभा संडे बोल नहीं सकता, नाले ना कोड़ता नाले ना कोड़ती रहो नमा कम भाई यूरो यार इल हेड यारो इवत ये ना जना इवत योल नूर आदरे नाले ना व्यवस्थे माड़ी सार नमको सा दाई माड़ी प्लीज हाँ स्वल्प माड़ी व्यवस्थे माड़ी इल ना निर्दी इल कमिटी हेली मार्ती नानु नाले वंचूर आदरे योल नूर कंप्लीट आदरे ये क्या होता सदस्य अभी ना कई को पीछे देती सो इनको डिमांड बहुत है। मैं क्या क्या रिक्वेस्ट कर ले को अब देखो हमारे एनजीओ कंपनी से करको अश्विन करको ही उन्हों 25,000 देखो ही अब इनो भी देती करको मान ली यूनाइटेड वे कर देती कर मान ली नोटरी क्लब वाले ऑलरेडी बोले 10,000 देती उन्हों क्या करते हैं जगह क्या डालती 1,000 तुम्हें नहीं कम्प्लीट करते क्या करते उन्होंने आते नहीं है हम ना तकलीफ होती तो जिम्मेदार तुम्हें पूरे जवाबदारी लेको हर एक को वैक्सीन दलाना कर गुजारिश करते हुए मेरे माँ बना से भी पड़ोस लेंगे जब बोलो तुम्हें नहीं बा वैक्सीनेशन में अगर साइड लेफ्ट रहता तो कई को डॉक्टर आ लेते कई को नर्स आ लेते कई को पॉलिटिशियन आ लेते कई को लेते वैक्सीनेशन में फायदा है। अगर कोरोना से हमें बचना ये खाली आको सेकेंड वे खत्म हुआ सो अभी कोरोना खत्म हुआ नहीं माँ ये थर्ड वे आता गते फोर्थ वे आता गते फिफ्थ वे आता गते अब ये नवंबर के बाद ये अक्टूबर नवंबर के अंदर छोटे बच्चों को कोरोना आता गते कौन से बच्चों को बड़े को आता नहीं कहते अब बोलती है ऐसा बड़े को आता नहीं छोटे बच्चों को आता कर को तुम्हें कोरोना लिया तो तुम्हारा हिफाजत माँ मेहरबानी से हाथ जोड़ को मैं गुजारिश कर लेता हूँ ये कोरोना से अगर बचना हो तो दूसरा कोई रास्ता नहीं वैक्सीनेशन एक कीचक एक रास्ता कर को तो मेरी माँ भाना से मेरे भाइयों से एक आजी सारा गुजारिश तुम्हें पड़ोसी वाले को ये नेकी का काम मालूम एक चीज़ में फलाई है कर को अगर इसके अंदर गलत है तो मैं कहीं जद्दोजहद करता मैं कहीं को प्राइवेट वाले को एनजीओ वाले पकड़ कैंप बन रहा था बीबीएमपी वाले दे रही लिए तो लेने नहीं जानने कर बोलता था मैं कहीं को थी जद्दोजहद करता था मुझे मालूम ये कोरोना से बचना तो वैक्सीन ये तो बचती करको हमें लोग दिन रात जद्दोजहद कर रही वो तुम्हारे वास्ते मेरी आवाम से भी एक आजीजाना गुजारिश आवाम को आजू बाजू पड़ोस है बोल को नहीं भाई ये वैक्सीन लेना जरूरी है इन उनके बातों में नको जो ये सोशल मीडिया में जो अफवाह उठी वो जानबूझ को खाली हमारे आदमियाँ लेना नहीं करको बोल को जद्दोजहद ये करी सो अफवाह उठी सो ये अफवाह को मानने वाले कौन सा सबसे ज्यादा हमारे आदमियाँ और मेरे साथ चलो तुम्हें चमराजपेट के अंदर दे रहा हूँ अनंतपुरा के अंदर दे रहा हूँ गिरिनगर के अंदर दे रहा हूँ लाइन आदमियों की लाइन रोज डेली गलत है साहब हमने बस्ती आ रही 1,000 वैक्सीन दिन सो हमने बस्ती आ रही 500 वैक्सीन दिन सो और वैक्सीन ना होना वो जैन समाज के आको लड़को आको एमएलए ऑफिस के अंदर मुझे देखो खुशी हुई वहाँ आको लड़को ना जैन समाज के 3,500-4,000 ही उन्होंने क्या कि अप्लीकेशन डाले कहते ऑनलाइन के अंदर वो अप्लीकेशन में आप अढ़ी महीने से आया नहीं तो पूरे मिल को हमारे एमएलए ऑफिस में था जब आ गया मेरे पास साहब हमें अढ़ी महीना हुआ आप ऑनलाइन में डाल को अभी जाको एमपी साहब को भी पूछे एमपी साहब भी रेस्पॉन्स नहीं करे उन्होंने खुला बोले हमने तुमने वोट नहीं डाले साहब हमें 3 साल से 4 साल से तुमने वोट नहीं डाले अब हमारी जान की पड़ी सो यहाँ हमारी जान बचा डालो तुम्हें नेक्स्ट तुम्हारे साथ रहेंगे तुम्हें वोट आन दिए तो नहीं परवा नहीं तुम्हें तुम्हें दिए कि नहीं दिए कि आइंदा भी तुम्हें मुझे वोट आन दिया को मगर मेरा एमएलए के नाते मेरा फर्ज बनता मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी के आदमी को मैं खिदमत करना मेरा फर्ज बनता मैं कराता हूँ बोल को दूसरे दिन इमीडिएट उनके पास क्याम दल को कराया 2,300 कितने की इमीडिएट 2 दिन में वैक्सीन ले ले यानी ऐसे ऐसे बच्चे लेडीज पूरे कामा धंधे सब छोड़ को तो ये वैक्सीनेशन लेना बहुत जरूरी है मेरी आवाम से एक आजीजाना गुजारिश करते हुए तमाम वैक्सीनेशन लेना तुम्हें लेने के साथ में तुम्हारे रिश्तेदार पड़ोसियों को जो जो मिलती उनको सब बोल को कराना कर कहते हुए दोबारा में हमारे यूनाइटेड वे के एनजीओ के तमाम जिम्मेदार का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हुए नम्म क्लिनिक एल्ला सिंबदिगळिगे ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯದಿಂದ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯಾದಂಥ ಸೀಮಾ ಅಲ್ತಾಫ್ ಖಾನಿಂದ ಅಲ್ತಾಫ್ ನಮ್ಮ ಪುಗಟ್ಟದಂಥ ಅಲ್ತಾಫ್ ಖಾನಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸುಬಾನಿಯ ಮಸ್ಜಿದ್ ಕಮಿಟಿ ಗುರುಗಳಿಂದ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹಿದಾಯದ್ದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮಗೆ
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಮಾತೆ.